जजिए जा जी जजिए जा आरसीएम के संग जी जजिए जा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि रविंद्र, आप देख रहे हैं YouTube चैनल लय भरी। दोस्तों आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक आपने किया नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काफी यूनिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आरसीएम के जो उद्दिष्ट है वो ये है कि स्वस्थ रक्षा स्वावलंबन नए भारत का निर्माण। लगभग 20 साल से दोस्तों कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है और स्वस्थ वर्धक प्रोडक्ट हमें मिल ही रहे हैं, साथ में अच्छे ग्रोसरी के अच्छे प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, साथ में न्यूट्रिशन भी हमें अच्छा मिल रहा है और साथ में अभी आरसीएम लेकर आई है खेती के लिए भी जैविक प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये दाम में भी कम है और इसके काम में भी दम है और किसान भाइयों के लिए एक वरदान है, जो कि हम बात कर रहे हैं हरी संजीवनी की। जी हाँ दोस्तों, हरी संजीवनी एक ऐसा प्रोडक्ट है, भारत में कई राज्यों में बहुत सारे किसानों ने इसको अपनाया है और अपने फसल को बढ़ाया है और लगातार जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं खेती महंगे होती जा रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, लेकिन दोस्तों आरसीएम का जो प्रोडक्ट है हरी संजीवनी ये काफी रिजनेबल प्राइस में आपको मिलता है और आपके जो खेती की उपजाऊ क्षमता है उसको ये बढ़ाता है, इससे जड़ित की क्षमता काफी बढ़ जाती है और ये जो प्रोडक्ट है वो फॉरवर्ड ट्रीटमेंट है खेती के ऊपर का। जैसे कि इसमें पहला जो पॉकेट था ये हमें उसको खेती में डालना होता है और उसके बाद में जो 3 पॉकेट होते हैं उसकी फवारनी हमें करनी होती है। तो दोस्तों जैसे कि हमारी बाल अवस्था रहती है, उसके बाद में प्रौढ़ अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था होती है, उसी तरीके से हम जो अनाज बोते हैं वो उगने के बाद वो बाल अवस्था में होता है। तो पहली फवारनी हमें बाल अवस्था में करनी है, उसके बाद में तारुण्य अवस्था में जब वो आता है तब हमें दूसरी फवारनी करनी है और उसके बाद में जब वो परिपक्व हो जाता है तो हमें तीसरी फवारनी करनी है। तो दोस्तों इससे होता क्या है, जो भी अनाज आप उगा रहे हैं उसकी पत्ते जो है वो बड़े बड़े हो जाते हैं, उसके कारण उसके संस्कृषण ज्यादा बढ़ जाता है और उसके जो तंतु मूल है वो काफी मात्रा में बढ़ जाते हैं और इसके कारण जो हमारा अनाज है या फिर जो भी आप धान लगा रहे हैं उसकी जो उत्पन्न की क्षमता है वो बढ़ जाती है, उसका जड़ीत बढ़ जाता है और अच्छी क्वालिटी में ये धान हो या फिर आप जो भी फसल लगा रहे हैं वो काफी अच्छे तरीके से, जैसे मान लीजिए आपने अगर सरकी लगाया है, सरकी में बहुत बार आपने देखा होगा कि नीचे के जो सरकी होती है, नीचे सरकी के पेड़ को नीचे बड़े बड़े बोंड होते हैं लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो बोंड छोटे होते हैं। तो इसका कारण ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं उसको जमीन में से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है या फिर संस्कृषण उसका कम हो रहा है, उसके कारण ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों हरी संजीवनी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आपका सवाल ही होगा। जैसे कि पहला जो पॉकेट हम जमीन में डालते हैं उसको डालने की क्रिया ये है, आप मिट्टी के साथ उसको डाल सकते हैं या फिर कोई रासायनिक खत आप डाल रहे हैं तो उसको मिलाकर भी आप उसको डाल सकते हैं। तो इसका काम दोस्तों जैसे ही बारिश गिरती है या फिर जमीन को जैसे ही आपके खेती को जैसे ही पानी लगता है तो इसका काम शुरू हो जाता है। ये आपके जमीन को भुसभुसित करता है और उसके कारण आपके जमीन में हवा खेलती रहती है और उसके कारण आपकी जो फसल है वो काफी अच्छे तरीके से आती है और जमीन में से जो हमारा जो भी आपने धान लगाया है या फिर जो भी अनाज उगाया है उसको अच्छी ऊर्जा न्यूट्रिशन सही मात्रा में जमीन से मिलते हैं और उसके कारण आपका जो झड़ित है वो बढ़ जाता है और जमीन की उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो कई सारे लाभ इस हरी संजीवनी के है, काफी रिजनेबल प्राइस में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और आप 199 फसलों के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं और ये जैविक है, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं मिलाया गया है, इजराइल बेस ये प्रोडक्ट बनाया गया है और जो इसमें 4 पॉकेट है, 3 की आपको फवारनी करना है और एक जो पॉकेट है आपको उसको जमीन में डालना है। जो जमीन में डालने वाला है ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है, 250 ग्राम का ये पॉकेट है लेकिन लगभग 2 टारली गोबर का जो खत होता है उसके 2 टारली के बराबर ये इसकी ये क्षमता है, उसकी बराबरी ये कर सकता है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है।
तो दोस्तों काफी अच्छा यह प्रोडक्ट है। भारत के बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे किसानों ने इसको अपनाया है और उन्होंने कई गुना अपने खेत की पैदावार को बढ़ाया है। तो आप भी इसे एक बार, आपने अभी तक यूज नहीं किया है तो आप यूज करें, काफी अच्छा है प्रोडक्ट है, काफी अच्छे इसके रिजल्ट है और काफी इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है आजकल ना हवा शुद्ध रही है ना पानी शुद्ध रहा है, हम जो सब्जियां उगा रहे या फिर जो खा रहे वो भी शुद्ध नहीं है, हम जो अनाज उगा रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है, लेकिन आरसीएम का जो हरी संजीवनी प्रोडक्ट है ये 100% केमिकल रहित है, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया है बिल्कुल। इससे आपकी फसल तो बढ़ती है लेकिन आपका जो भी आप अनाज उगा रहे हैं वो जहर मुक्त ही होता है। इससे आप सब्जियां फल बागों के लिए या फिर अनाजों के लिए ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हरी संजीवनी में काफी सारी बड़ी रेंज है और काफी रिजनेबल प्राइस पे ये अवेलेबल है और अभी खेती का सीजन भी चल रहा है। तो दोस्तों सही समय पर अगर सही प्रोडक्ट आप अगर शेयर करेंगे, सही प्रोडक्ट पे अगर आप काम करेंगे तो बिल्कुल आप सक्सेस हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर कौन से प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी खेती की फसल चल रही है तो आपको खेती के जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है दोस्तों। और ये एक अभियान है, जहर मुक्त सब्जियां हो, जहर मुक्त अनाज हो, जहर मुक्त फल हो, ये हरी संजीवनी के माध्यम से पूरे भारत में चल रहा है। तो आप भी इसमें सहभाग ले सकते हैं और आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हरी संजीवनी के प्रोडक्ट दे सकते हैं और उनका उत्पन्न भी बढ़ेगा और जहर मुक्त अनाज भी उगेगा और जहर मुक्त सब्जियां भी हमें मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक अभियान है और ये बहुत दिनों से चल रहा है, लगभग 2006 से ये प्रोडक्ट आरसीएम के साथ आया है और काफी सारे किसानों ने इसका फायदा लिया है। तो दोस्तों आपके भी डायरेक्ट सेलर किसान भाई है तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे किसान भाई है उनको इसका फायदा हो सके। तो दोस्तों हरी संजीवनी की प्राइस की अगर हम बात करें तो जैसे इसका एमआरपी 1800 रुपए है एक एकड़ के लिए यह प्रोडक्ट चलता है। डीपी की अगर हम बात करें तो दोस्तों बहुत ही कम डीपी इसका रखा गया है, 1200 रुपए इसका डीपी है। और बीवी की अगर हम बात करें तो 75% इसको बीवी भी दिया गया है, तो काफी अच्छा है प्रोडक्ट है, काफी सारा रिजनेबल प्राइस में आपको ये अवेलेबल होता है। अगर शेयर भी करते हो तो काफी अच्छा मार्जिन आपको इससे मिलता है और 20-25% लगभग फसल की पैदावार बढ़ाने में ये बिल्कुल 101% गारंटी के साथ ये आपको बेनिफिट देता ही है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय आरसीएम।